रेल नगरी फुलेरा में ब्रिटिश काल से चली आ रही रेलवे रामलीला का मंचन बुधवार रात्रि रेलवे रामलीला रंगमंच पर हर सिद्धि हनुमान मंदिर महंत त्रिलोकी दास महाराज दादू संत राम प्रकाश महाराज व बेलूबाई आश्रम संत सत्यनारायण सैनी के सानिध्य व कमेटी सचिव दिनेश सोरोलिया सचिव शैलेंद्र शर्मा निर्देशक राजेश शर्मा मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष संगीता अग्रवाल व विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में दीप प्रज्वलित कर व रिबन काट कर रामलीला का मंचन शुरू किया गया। तत्पश्चात प्रथम पूज्य गजानन की आचार्य पंडित राम अवतार दाधीच व पंडित कैलाश दाधीच द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कर अतिथियों के साथ सामूहिक महाआरती करवाई गई। इसके बाद आगंतुक अतिथियों का रामलीला कमेटी द्वारा दुपट्टा पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। वहीं प्रथम दिन रामलीला निर्देशक राजेश शर्मा के नेतृत्व में नारद मोह शिव पार्वती संवाद के साथ श्रीराम की लीला का मंचन किया गया। व्यास गद्दी पर अजमेर के मुरलीधर शर्मा द्वारा रामायण का वाचन किया गया। इस अवसर पर मंच संचालन राजेश शर्मा ने किया। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रामलीला का मुख्य आकर्षण 50 फीट ऊंचे झूलते विद्युत तारों पर उड़ान के दृश्य रहेंगे, जिसका निर्देशन मदन मोहन द्वारा किया जाएगा। वहीं रामलीला का मंचन 15 दिवस तक लगातार जारी रहेगा।